गाइस, आज का हमारा वीडियो रहेगा अहूजा का 650 वाट का स्पीकर वर्सेस अहूजा का 500 वाट का स्पीकर। जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ये दोनों स्पीकर के बीच में कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा, तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कंपैरिजन वीडियो लेके। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दोनों स्पीकर का फिजिकली जो डिफरेंस है आप लोगों को वो दिखाऊंगा, वो बताऊंगा। इसके बाद टेक्निकली जो फर्क है वो बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को चेक करके बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना रिव्यू आप लोगों को दूंगा कि ये स्पीकर कैसा है। तो गई देरी नहीं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर ले और ढेर सारा कमेंट करके बताए कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा और आप लोग आगे और कौन सा कंपनी का वीडियो देखना पसंद करोगे। तो गाइज आइए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज इधर आइए, ये हमारा अहूजा का 650 वाट का स्पीकर है जिसका रिव्यू मैंने लास्ट वाले वीडियो में किया था, और ये वाला अहूजा का 500 वाट का स्पीकर है जिसका रिव्यू मैंने कुछ महीने पहले किया था। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही एल्युमिनियम डाईकास्ट बॉडी से बना हुआ है, खाली बॉडी का डिजाइन डिफरेंस है। इसका वेट आपका अप्रोक्सीमेटली 9 kg है, इसका वेट आपका अप्रोक्सीमेटली 11 kg है। मेरे हिसाब से जो 2 kg का फर्क है ये बॉडी में फर्क आ जाता है क्योंकि मैग्नेट साइज दोनों में सेम है। इसका जो ऊपर में किट लगा हुआ है ये थोड़ा सा हैवी लगा हुआ है, इसके चलते ये दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है साइज में, वेट में ज्यादा का फर्क नहीं है गाइस, 2 kg का ही फर्क है। दोनों में ही गोल्ड प्लेटेड टर्मिनल्स लगा हुआ है, इसमें अलग अलग टर्मिनल लगा हुआ है, इसमें इसके साथ अटैच करके एक टर्मिनल लगा दिया गया है। इसमें अब हम लोग पीछे तरफ मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसका डस्ट कैप थोड़ा सा बड़ा है, इसका डस्ट कैप छोटा है। इसका मतलब इसमें जो डेप्थ है ये ज्यादा डीप है, इसका कोन कम डीप है, और इसमें जो आपका पेपर कोन लगा हुआ है प्लास्टिसाइज्ड क्लॉथ कोन का जो पेपर लगा हुआ है, ये दोनों में सेम क्वालिटी का कोन लगा हुआ है, खाली दोनों में कोन का कलर का फर्क है। गाइस फिर से आप ध्यान दें, दोनों में सेम कोन लगा हुआ है, सेम थोड़ा सा आगे आओ, दोनों में सेम क्वालिटी का कोन लगा हुआ है, खाली दोनों का कलर में फर्क है। दोनों में ही आपका प्लास्टिसाइज्ड क्लॉथ कोन का पेपर लगा हुआ है जो कि पेपर को स्ट्रेंथ देता है, पेपर खेलने में मदद करता है। बात बाकी दोनों में ही मशीन सील्ड डस्ट कैप है, ये थोड़ा सा डीप है, ये थोड़ा सा कम डीप है। अब हम लोग स्पाइडर का बात करें तो दोनों में ही सेम स्पाइडर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसका मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये देखिए इसमें भी सेम स्पाइडर लगा हुआ है और इसमें भी आपका सेम स्पाइडर लगा हुआ है, स्पाइडर में कोई फर्क नहीं है। तो गाइस आप लोगों का मन में ये डाउट होगा कि अगर इतना सब कुछ सेम है तो फिर ये वॉटेज अलग अलग क्यों है, ये 500 वाट क्यों है, ये 650 वाट क्यों है, इसका पेपर सेम है, इसका मैग्नेट सेम है, इसका कॉइल का जो साइज है 4 इंच, दोनों में 4 इंच का कॉइल लगा हुआ है, मगर ये वॉटेज में फर्क क्यों है। तो गाइज ये फर्क आ जाता है आपका टेम्परेचर के ऊपर, वॉइस कॉइल का मटेरियल के ऊपर। इसमें जो लगा हुआ है ये कॉपर का वॉइस कॉइल लगा हुआ है, इसमें जो लगा हुआ है ये एल्यूमिनियम का वॉइस कॉइल लगा हुआ है। अब आप लोगों को मैं ये बजा के सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में पता चल जाए कि ये डिफरेंस आता कहाँ से है। धड़क धड़क
सो गाइस इसका आवाज़ हम लोग सुन लिए। अब हम लोग आइए 500 वाट का स्पीकर का आवाज़ सुनते हैं और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये दोनों स्पीकर में क्या फ़र्क है और ये दोनों स्पीकर कौन से यूज़ में आप लोगों को लेना है। ये वाले गाने को थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ ताकि सेम बीट्स आप लोगों को समझ में। सो गाइस आप लोगों ने आवाज़ सुना 650 वाट का और 500 वाट का, दोनों में क्या डिफरेंस है ज़रा बताइए। मेरे हिसाब से आहूजा का 650 वाट का जो स्पीकर है वो क्लियर था, उसका मिड का आवाज़ भी क्लियर था और उसका बेस भी क्लियर था। और आहूजा का 500 वाट का स्पीकर जिसमें सिर्फ मिड लो फ्रीक्वेंसी था तो वो ओपन में क्लियर नहीं आ रहा था। गाइज एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्पीकर में मिड का आवाज़ अच्छा है वो ओपन में अच्छा बजेगा, ठीक है, और जो स्पीकर में खाली लो फ्रीक्वेंसी है या मिड का आवाज़ कम है वो स्पीकर ओपन में अच्छा नहीं बजेगा। यही रीज़न है कि 650 वाट का स्पीकर ओपन में अच्छा बज रहा था और 500 वाट का स्पीकर ओपन में अच्छा नहीं बज रहा था। आहूजा का 650 वाट का स्पीकर में एल्युमिनियम कॉइल लगा हुआ है जिसके कारण मिड फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छा है, उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। आहूजा का 500 वाट का स्पीकर में कॉपर कॉइल लगा हुआ है, उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 33 हर्ट्ज़ है, इसीलिए उसमें लो फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छा है। वो आप अगर कोई कैबिनेट में लगाओगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगर आप डीजे वगैरह में कहीं लगा रहे हो तो आहूजा का 500 वाट के साथ 100 वाट्स का HF लगाओगे तो बहुत तगड़ा बजेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं यूसेज का कि आहूजा का 500 वाट का स्पीकर कहाँ यूज़ करना चाहिए और आहूजा का 650 वाट का स्पीकर कहाँ यूज़ करना चाहिए। जिन भी भाइयों ने मेरा आहूजा का 650 वाट वाला वीडियो देखा होगा वहाँ पर मैंने बोला है आप लोगों को कि आहूजा का 650 वाट का स्पीकर आप भागवत वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, सिनेमाज में यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटोरियम्स में यूज़ कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि ज़्यादा वोल्टेज का स्पीकर है, उसमें बेस काफ़ी अच्छा है, मिड भी काफ़ी अच्छा है। गाइस इतना अच्छा मिड है कि आहूजा का 400 वाट से भी ज़्यादा मिड है। आहूजा का 400 वाट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ है और आहूजा का 650 वाट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो जिन भी भाइयों को टॉप में अगर स्पीकर चाहिए और मिड का आवाज़ चाहिए तो 650 वाट मस्ट है, उसमें आपका लाइव प्रोग्राम बहुत बेहतरीन चलेगा। और जिनको डीजे में यूज़ करना है, जिनको कंपटीशन चलाना है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 500 वाट का स्पीकर यूज़ करें, उसमें कॉपर कॉइल लगा हुआ है, आपका स्पीकर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बेस बेहतरीन बजेगा। ये 500 वाट का स्पीकर के साथ आप 100 वाट्स का HF लगाए और टॉप में लगा के उसे बजाए और उसके बाद आप मुझे बताएं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, बहुत बेहतरीन बजेगा गाइस। आहूजा का 500 वाट का स्पीकर और आहूजा का 650 वाट का स्पीकर का मैंने रिव्यू कर दिया और ये भी बता दिया कि दोनों का यूसेज कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हो। तो गाइस आपसे बात करके अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कोई काम आया हो। और मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।